सो हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज काफ़ी देर बाद व्लॉग कर रहा हूँ और मैं हूँ इस वक्त हरियाणा कुरुक्षेत्र में, क्योंकि अपनी मास्टर डिग्री परस्यू करने मेरी एडमिशन यहाँ हुई है तो यहाँ आना पड़ा और सोचा क्यों ना व्लॉग बनाया जाए आज से। यहाँ पे एक इवेंट होता है गीता महोत्सव करके, सोचा आपके साथ भी वो शेयर करूँ कि क्या होता है। फ़िलहाल आज संडे है और आज का टास्क कंप्लीट कर लिया है, कपड़े धो लिए आज और खाना वाना खा लिया है, लेकिन अभी तक नहाए नहीं है। सो नहाएंगे बाद में, थोड़ी टाइम बाद रेस्ट करके, जस्ट अभी खाना खाया और उसके बाद जाएंगे गीता महोत्सव। आपको दिखाऊंगा, ब्रह्म सरोवर में होता है यहाँ पे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, मतलब पक्का सरोवर, कच्चा नहीं। सो वहाँ पे लेके जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा गीता महोत्सव। तब तक के लिए बाय। सो गाइस, बैक टू अवर रूम। और देखा ही होगा आपने, टेलर के पास गए थे हम क्योंकि जैकेट सिलवानी थी मुझे। मेरे जैकेट की बाजू जो थी वो नीचे से फट गई थी, क्योंकि लास्ट संडे जब मैंने कपड़े धोए थे तो क्या हुआ था कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाता है, जैसे कि इसमें रुई होती है, तो उसको जल्दी निकालने के चक्कर में मैं इसके ऊपर चढ़ गया पूरा पाँव से, और वो प्रेशर से पूरा सिलाई उड़ गई थी। सो अभी वो करवा के लाए हैं और अपनी बियर्ड ड्रेसिंग करा के आए हैं और अभी रूम पे पहुँचे हैं। वहाँ पे व्लॉग इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ आउटडोर व्लॉग करने में सबके सामने, आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्फिडेंस आएगा। सो इसलिए वापस रूम पे आके बना रहा हूँ और क्लिप्स वहाँ पे थोड़े शूट कर दी थी आपको दिखाने के लिए। सो फिलहाल अभी मेरा रूममेट जो है वो धो रहा है कपड़े, क्योंकि अब उसका नंबर है, मैंने तो सुबह धो लिए। उसके बाद हम नहाएंगे और फिर जाएंगे ब्रह्म सरोवर। सो फिलहाल हम जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर रोड में, स्कूटी में, इस वक्त यूनिवर्सिटी के बीच में से रास्ता है तो रात को 9 बजे तक, आज लास्ट डे है ना, कह रहे रात को 9 बजे तक की दुकानें खोल सकते हैं यहाँ पे। सो फाइनली हम पहुँच गए यहाँ पे और आज 9 बजे तक ही है यहाँ पे प्रोग्राम जो भी है मेला, उसके बाद सब कुछ क्लोज हो जाएगा। तो अभी भाई स्कूटी लगाने गया अपना पार्किंग में और हम जाएंगे थोड़ी देर बाद अंदर। सो यहाँ पे जगह जगह पे घाट बने हैं जहाँ पे आप आके स्नान कर सकते हैं। आई डोंट नो, हर एक स्टेट के लिए आई थिंक एक घाट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी पीछे जम्मू कश्मीर का घाट देखा था, तो शायद हर एक स्टेट के लिए यहाँ पे घाट है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना बड़ा सरोवर है, ये एशिया का जो है सबसे बड़ा पक्का सरोवर है, मतलब वेल मेंटेन। ये देखो भाई, काफ़ी बड़ा है और जितना ये यहाँ दिख रहा है इतना ही उस पाथ के उस साइड भी इतना ही है। सो काफ़ी बड़ा सरोवर है,
ये जो गीता महोत्सव है ये किस लिए होता है यहाँ पे, तो इसका ये है कि गीता का प्रचार, जो हमारा गीता जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है उसके प्रचार के लिए ये गीता महोत्सव जो है यहाँ पे आयोजित किया जाता है कुरुक्षेत्र में। सो यहाँ पे आप दुकानें देख सकते हैं, हर एक स्टेट की यहाँ पे कुछ शॉप्स लगा रखी होती हैं, जैसे 527 है यहाँ पे लिखा हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे पूरे 1000 जो है छोटी छोटी शॉप्स हैं पूरे सरोवर के साइड साइड पे, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा एरिया है यहाँ पे। ये चिड़िया क्यूट है, सर ये चम्मच भी, मिर्च भी। यू वांट मिर्च? सो आज हम कुछ हेल्दी ट्राई करेंगे, स्प्राउट्स ट्राई करेंगे, क्योंकि बेल पूरी तो हमने खाई थी वो तो बेकार है यहाँ की। खाइए खाइए सागर जी, आप रिव्यू देंगे पहले पास किया कि नहीं, कैसा है? बढ़िया भाई, हेल्दी तो तेरे को पता ही है। सो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा, अपना आर्ट से रिलेटेड हैंडमेड है सारा, और भैया क्लोज कर रहे हैं क्योंकि 9 बजे तक बंद करना है। पैक कर रहे हो भैया? ख़त्म आज? ख़त्म, मेरी क्या गाड़ी है। अच्छा अच्छा आपकी गाड़ी है, टिकट कर रहा। तो भैया कहाँ से हो आप? राजस्थान से। राजस्थान का लोकल आर्ट है ये? राजस्थान में बाड़मेर। बाड़मेर वहीं पे कर होता है ये? 70% वहीं होता है। अच्छा अच्छा बढ़िया, वर्ल्ड फेमस हैंड एम्ब्रॉयडरी। अच्छा सारी एम्ब्रॉयडरी है ये, देखो यार सारा हाथों का कमाल। तो फिर ये आपके साथ और भी आर्टिस्ट होते होंगे ग्रुप में, वही मिलके बनाते हैं या अकेला अकेला पीस? मैं काम मेरे घर पे चलता है। अच्छा, उसके बाद में अलग अलग घर में बाहर देता हूँ काम करने के लिए। ठीक है, जैसे ये वाला है पीछे, इसको कितने दिन लग गए होंगे बनाने में? 6 महीने। देख लो इसको 6 महीने लगे हैं पूरे को, और कुछ कुछ को तो साल लग जाते हैं भैया बता रहे। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, ऐसी चीज़ें अगर आप आते हैं तो खरीदिए, आर्टिस्ट को काफ़ी हेल्प होती है। बाकी फैक्ट्री मेड तो और भी आपको जगह पे मिल जाएगा। सो राजस्थान बरमेर में ये होती है, 70% बरमेर में ही होती है, बाकी 30% आगे पीछे के एरियाज़ में होती है राजस्थान के। सो भैया अभी पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं, ये उनकी गाड़ी है और वैसे भी 9 बजे तक ही है मेला। सो अगर आप इसमें अपनी परछाई को देखोगे तो आपको ये सारा जो पेंटिंग से दिख रही है ये ब्लर आउट हो जाएगी और आपको पूरा एक फेस दिखेगा। दिखा क्या? दिखा मूर्ति दिखी, तू भी देखा, अब तेरे को नहीं दिखा? सो जैसे जैसे रात होती है ना यहाँ का व्यू जो होता है और भी अच्छा होने शुरू हो जाता है, पानी में जो रिफ्लेक्शन आती है ना लाइट्स की काफ़ी अच्छी लगती है। वो जो फोटो वाला इल्यूजन था ना, मतलब इतना अच्छा था, पहले तो मेरे से फोकस हो नहीं रहा था क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था ना उसने ना 2 मिनट में देखते ही उसको दिखने शुरू हो गई थी उसमें इमेज, बट मेरे को वो दिख रही नहीं थी, काफ़ी टाइम तक फोकस किया, बट जो रिजल्ट थे ना वो, मतलब जो कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, उस तरीके से बिल्कुल जितना देर आप फोकस करोगे उतना ज़्यादा वो 3D में निकलते हुए आती है। कृष्ण जी की मूर्ति थी और वो पूरे 3D फॉर्म में निकलते हुए आ रही थी, काफ़ी अमेजिंग थी। और अभी संध्या आरती का टाइम हो रहा है, यहाँ पे आरती होती है तो मैं आपको आरती दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से वो बीच में जाना है, वहाँ पे मंदिर जो दिख रहा है आपको सामने, उस मंदिर के पास संध्या आरती होती है। सो वहाँ पहुँचने में भी 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो अभी भाग के वहाँ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सागर मेरे को बताएगा कि ये क्या है।
सागर भाई बताओ, ये घाघरा है, ये दामन है। हाँ तो ये ट्रेडिशनल ड्रेस है ना यहाँ की, हरियाणा की। तो बॉयज़ की क्या होती है? बॉयज़ की नहीं है यहाँ पे। चलो ये देख लो भाई, ये है हरियाणा की ट्रेडिशनल ड्रेस, घाघरा और दामन। और ये है बॉयज़ के कुर्ताज वगैरह, लेडीज़ और बॉयज़ के कुर्ताज वगैरह। सो ये भाई साहब यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। ओके, इतनी देर वैसे करना मुश्किल है क्योंकि सारा जो ब्लड है आपका सर में आ जाता है, तो इट्स नॉट ए ईजी टास्क। बट ये भी अपनी लिविंग के लिए कर रहे हैं, खर्चा वगैरह निकालने के लिए। ये बढ़िया है इन्वेंशन, अपनी एक्सरसाइज करो, आटा चक्की से मोटापा घटाएं। ये 17,000 की मशीन है और इसमें आप अपना घर का आटा निकाल सकते हैं और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी बढ़िया से। तेल की मशीन, मतलब हर एक चीज़ की मशीन है यहाँ पे, तेल निकालना हो, आटा निकालना हो। वन मोर हैंडमेड स्टॉल है यहाँ पे, पेड़ बना रखे हैं चिड़िया। सो आरती अभी समय से पहले ही शुरू हो गई है शायद, और हम अभी पहुंचे भी नहीं है। सो ये यहाँ का मेन टेंपल है और यहाँ पे चल रही आरती।
जा रहे हैं। दादाजी घर पे है ना, दादाजी वीडियो में। वंदे हंसजलाशयं सबलदं वंदे शिवं शंकरं गर्जनकृतं वाहाय लंकरमणं वा श्रवणेन जम्बापादसंपातनं नाशो नाशो सद्भावना हो, सद्भावना हो, कल्याण हो, कल्याण हो, जय हो, जय हो, जय 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 इसी के साथ आरती समापन हो गई है और देख सकते हो आप यहाँ का व्यू। मैंने वैसे एक दो बार दिखा दिया, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, मन को शांति मिलती। तो ख़त्म हो गई यहाँ पे, और एक और चीज़ दिखानी थी, यहाँ पे स्टोन कार्विंग का कैंप चल रहा है एक, और काफ़ी आर्टिस्ट लगे हुए हैं। अंदर आवाज़ काफ़ी होगी तो मैं सिर्फ विजुअल्स ही दिखा पाऊँगा आप लोगों को। तो चलो चलते हैं।
एक से बढ़कर एक काम कर रखा आर्टिस्ट ने। देखियो इतने बड़े बड़े पत्थर तराशना सबके बस की बात नहीं है, काफ़ी स्किल्स चाहिए इसके लिए। और ये गीता महोत्सव चल रहा है तो मोस्टली थीम्स जो हैं वो गीता को लेके, महाभारत को लेकर यहाँ पे काम किया आर्टिस्ट ने। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करता हूँ मैं। होप आपको अच्छा लगा होगा देख के यहाँ के बारे में जानकर, और कुछ में से मिस हो गया होगा तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा यहाँ के बारे में, गीता महोत्सव के बारे में। और काफ़ी सारे ये आई थिंक 19 डेज तक यहाँ पे चलता है और आज लास्ट डे है यहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको रिकॉर्ड करूँ और आप सबके साथ शेयर करूँ।